मैं चेतरा मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीएससी सेकंड ईयर, इथोलॉजी, टॉपिक फंक्शन ऑफ सेंट्स इन वर्टिब्रेट। हमने बात करी इन वर्टिब्रेट जंतुओं में फिरमोन्स के जो फंक्शन हैं वो विशेष प्रकार के फिरमोन द्वारा विशेष प्रकार का कार्य किया जाता है। इसी तरह से कुछ वर्टिब्रेट जंतुओं में भी फिरमोन्स का श्रावण किया जाता है जो भी विशेष कार्य के लिए ही जिम्मेदार होते हैं। साथ में ही फिरमोन्स व स्मेल में क्या डिफरेंस पाया जाता है उसको भी हम देखेंगे। कशेरुओं को वर्टिब्रेट्स में सेंट का कार्य, फिरमोन्स तथा उसके गुप्त कार्यों के विषय में बहुत कुछ अज्ञात है, मतलब ज़्यादा जानकारी फिरमोन्स के कार्यों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, बहुत कुछ अनखोजा सा प्रतीत जो है वो होता है। रासायनिक संदेशों को समझना बहुत कठिन कार्य है। अधिकांश जंतुओं में अधिकांशतः फिरमोन्स का उपयोग अंकन कर्मकों व संगम के उद्देश्य से ही होता है, अन्य कार्यों में इसकी उपयोगिता का और जो है वो स्टडी हो रही है। वर्टिब्रेट्स में मुख्य रूप से तीन कार्यों के लिए ही फिरमोन्स का उपयोग किया जाता है। पहला, अपने एरिया, अपना जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जिसमें वो रहता है उस क्षेत्र का अंकन करने के लिए। दूसरा, अपने समूह से जंतु को जो है वो खोजाने पर उसे खोजने के लिए। और तीसरा, आपस में नर व मादा से संपर्क बनाने के लिए भी फिरमोन्स का उपयोग किया जाता है। रॉथ कॉलर ने प्रेक्षण किया कि जंतुओं के लिए कोई भी नई वस्तु तब तक कठिनाई का स्रोत होती है जब तक कि उसे अंकित कर सुरक्षित न कर दिया जाए, इससे उन्हें अपनेपन का एहसास होता है। एक घटना में जो है वो प्रयोग में जो है वो देखा गया कि एक पालतू लोमड़ी थी जो रात्रि को सोने के लिए एक बक्से में सोया करती थी। प्रयोग में क्या हुआ, उस जो जिस लकड़ी के बक्से में सोती थी वहाँ उसकी यूरिन की व आदि की जो है वो स्मेल थी। उस बक्से को बहुत अच्छे से जो है वो धो दिया गया, बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया गया और उसके बाद में लोमड़ी के सामने रात्रि को उस बक्से को रख दिया। सर्दी का मौसम था, जब देखा कि लोमड़ी उस बक्से के अंदर प्रवेश ही नहीं करती है और वह बाहर ही पाई गई, तो इससे ये सिद्ध हुआ कि जो बक्सा था उस बक्से के अंदर लोमड़ी की स्मेल थी और उस स्मेल की वजह से लोमड़ी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है और अपनेपन का एहसास होना प्रतीत होता है। फिरमोन्स जंतु का आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। कुहम ने 1963 में अफ्रीकन हाथी प्रजनन के मौसम में अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना करता है तो कभी कभी अपने सूंड को मोड़कर अपने ही टेम्पोरल ग्रंथि को सूंघता है, उससे जंतु का आत्मविश्वास बढ़ता प्रतीत होता है तथा उसके द्वारा आक्रमण की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। इत्र लैंगिक व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नर अपने अधिकार क्षेत्र को अंकित करते हैं तथा प्रतिद्वंद्वियों को दूर रखते हैं, जैसा कि आमतौर पर हिरणों में, एंटीलोप्स में देखा जाता है, या फिर प्रतिद्वंद्वी अधिकार क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से प्रवेश नहीं करे, इसके लिए भी इत्र का जो है वो उपयोग करते हैं। वर्टिब्रेट जंतुओं में जैसे बाघ या अन्य बिल्लियों में देखा जाता है, बाघ या अन्य बिल्ली मलमूत्र में उपस्थित फिरमोन्स की सहायता से अपने क्षेत्र का अंकन कर देते हैं और अपने क्षेत्र का अंकन करने में जो उसी जाति का दूसरा जंतु जब आता है तो उसे
उस फिरमोन्स की स्मेल से इस बात का एहसास हो जाता है कि यहाँ दूसरा कोई जंतु है जिसने इसको अपना अधिकार क्षेत्र बनाया हुआ है। कुत्तों में इस व्यवहार का आसानी से जो है वो देखा जा सकता है या आसानी से प्रेक्षण किया जा सकता है। कुत्तों का हर प्रकार की वस्तुओं पर बार बार जो है मूत्र विसर्जन करना उसके अधिकार क्षेत्र की वस्तुओं को अंकन करने का एक तरीका है। अधिकांश जंतुओं में गंध दोनों लिंगों को नज़दीक लाने का भी कार्य करते हैं। सामान्य रूप से हम अपने आसपास जो है वो देखते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में नई कोई भी वस्तु लाई जाती है तो वहाँ उपस्थित कुत्तों के द्वारा उसके ऊपर जो है वो यूरिन का श्रावण कर दिया जाता है, यूरिन उत्सर्जित करता है। उसके पीछे उनका उद्देश्य होता है कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है या हमारा जो निवास है उसके एरिए में स्थित है। अनेक जंतु अपने आने व जाने के अभिलेख रखने हेतु या वर्टिब्रेट्स जंतुओं में ही पथ का अंकन करते हैं जिससे वे स्वयं या अन्य जो आने वाला जंतु है वो उस स्मेल को जो है वो सूंघ कर और अपने निवास स्थान या अपने शरण स्थल तक पहुंचते हैं। जैसा कि दरियाई घोड़े व गैंडे में होता है, इन चिन्हों का पड़ोसी नियमित परीक्षण करते हैं और इस प्रकार एक जंतु बिना दूसरे जंतु को देखे ही उन पर नज़र जो है वो रख सकता है। पथ का अंकन करने में जंतु मार्ग नहीं भूलता है तथा उसकी ऊर्जा संरक्षित रखता है क्योंकि उसे हर बार नए सिरे से रास्ता खोजना नहीं पड़ता है। इन अधिकार क्षेत्रों के अंकन में भी प्रयुक्त किया जाता है। वर्टिब्रेट जंतुओं में अपने एरिए को अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए भी फिरामोन्स का ही उत्सर्जन करते हैं। फिरामोन्स के द्वारा एक टेरिटरी बना दी जाती है और टेरिटरी बनाने के बाद में दूसरा जंतु उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता है। पहले अधिकार क्षेत्र युद्ध कर अर्जित किया जाता था परंतु फिर जंतुओं की गंध से इसे भर दिया जाता है और यह इंगित करता है कि इस विशिष्ट अधिकार क्षेत्र में और युद्ध की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी नर अपने जोड़ीदार को भी इत्र जो है वो अंकित करता है। उदाहरण के लिए नर खरा मैथुन के दौरान अपने ठोड़ी की ग्रंथि से मादा को अंकित करता है। नर खरा अपने समूह के शिशुओं को भी अपनी ठोड़ी की ग्रंथि से श्रावित होने वाले फिरामोन से चिन्हित करता है या अंकित करता है। कुछ जंतुओं में अंकन कभी कभी युद्ध से संबंध भी होता है, जैसे हैमस्टर पराजित प्रतिद्वंद्वी को अंकित करता है तथा यह अंकित जंतु पीछे हट जाता है। चूहो व चूहिया भी पराजित शत्रु को मूत्र से जो है वो अंकित करते हैं। बिल्डेविस्ट अपने नवजात बछड़े को सूंघती है ताकि उसका नवजात में स्थायी ध्राण बंध स्थापित हो सके। बछड़े की माता उसके गंध जानने के लिए सूंघती है। बड़े सींग वाले भेड़ कुत्ते जैसे अनेक जंतु प्राय एक दूसरे को सूंघते हैं। ऐसा करके संभवतः लिंग जंतु आदि समूह का पहचान करते हैं। दुधारू जंतुओं में हमने जो है वो सामान्य रूप से देखा भी है कि जब बच्चा दूध पीने के लिए जाता है तो उसकी माता या वो मादा उसका जो है वो पीछे का हिस्सा सूंघकर उस फिरामोन्स की सहायता से यह सुनिश्चित कर लेती है कि यह मेरा ही बच्चा है। गंध व फिरामोन्स के बीच सामान्य जो है वो कुछ अंतर तुलनात्मक अंतर की हम बात करते हैं कि स्मेल क्या है और फिरामोन्स क्या है। स्मेल नासा उपकला द्वारा ग्रहण की गई रासायनिक सूचना जिससे गंध पहचानी जाती है। यह शब्द सामान्यतः कशेरुकियों के लिए प्रयुक्त होता है तथा विशिष्ट इंद्री यानी सूंघने की शक्ति से संबंधित है। फिरामोन्स अकशेरुकियों के विशिष्ट संरचनाओं से उत्पन्न व पहचाने जाने वाली संरचना रासायनिक संरचना सूचना कशेरुकियों में भी फिरामोन्स विशिष्ट ग्रंथियों से उत्पन्न होते हैं।
तथा नासा उपकला से ग्रहण किए जाते हैं। फिरामोन्स को अनेक बार इत्र या गंध भी कह दिया जाता है। स्मेल, गंध की उत्पत्ति शरीर के बाहर के स्रोतों जैसे खाने की, पुष्पों की, जैव पदार्थों, इत्र व देह में भी हो सकती है, जबकि फिरामोन्स में इनकी उत्पत्ति विशिष्ट ग्रंथियों में होती है या लार मल और मूत्र के साथ में उसे बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। स्मेल, गंध की चेतन मस्तिष्क तथा खुशनुमा ऑब्लिक बुरी या उदासीन पहचाना जा सकता है। फिरामोन्स को चेतक मस्तिष्क पहचान सकता है या नहीं भी। कहने का तात्पर्य है, स्मेल को जो है वो किसी भी स्थिति में पहचाना जा सकता है, लेकिन फिरामोन्स को पहचानने के लिए मस्तिष्क की चेतन अवस्था अनिवार्य है। गंध का जंतु के व्यवहार पर सीधे प्रभाव हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, जबकि फिरामोन्स का जंतु के व्यवहार पर बिल्कुल सीधा प्रभाव पड़ता है। जो उन्हें उत्पन्न करता है वह प्रेषक कहलाता है तथा जो इसे ग्रहण करता है उसे रिसीवर या ग्राही कहा जाता है। स्मेल की उत्पत्ति व प्रबोध चेतन नियंत्रण में नहीं भी हो सकती है, जबकि फिरामोन्स जो रासायनिक पदार्थ है उसका उत्पत्ति और प्रबोध सारा का सारा जो है वो चेतन मस्तिष्क से होता है। इस तरह से हम जो है वो देख सकते हैं कि वर्टिब्रेट जंतुओं में भी फिरामोन्स के द्वारा रास्ता जो है वो खोजने में, अपना एरिया क्षेत्र निर्धारित करने में आदि हेतु उपयोग किए जाते हैं। धन्यवाद।